दोस्तों आ गया आरबीएल बैंक का फर्जी क्रेडिट कार्ड। आप वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक बाजार वालों ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया और वो फ्रॉड वाला क्रेडिट कार्ड यही है। इसको मैंने अनबॉक्स भी नहीं किया है, ऐसे में इस क्रेडिट कार्ड को रिसीव ही नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किए कि आप रिसीव करिए, उसके बारे में हमें बताइए कि फ्यूचर में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो इससे कैसे निपटेगा। और एक और हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर हम कोई कार्ड अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद क्या कार्ड पर अगर कोई जॉइनिंग फीस या कोई एनुअल फीस है और अगर हमारे पास वो डिलीवर हो जाता है तो क्या उस पर हमारे लिए चार्ज लग जाएगा, इस सारी की सारी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का फिर से वेलकम है। मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी यहां पर लाकर के देता रहता हूं। सब्सक्राइब करिए चैनल पर अगर आप न्यू हैं, वीडियो को लाइक करिए। गाइस, ओपन करने के बाद देखिए इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई देगा। यहां पर लोगो होगा बैंक बाजार का, इधर होगा आरबीएल बैंक का। इस प्रकार से यहां पर आप लोगों को ये पैकिंग मिलेगी, यहां पर दोनों को पार्टनरशिप से कार्ड मिला और इसके बाद हमारा फाइनल ये रहा क्रेडिट कार्ड, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रहेगा और जो बैक साइड है इधर आपको यहां पर नंबर वगैरह मिलेंगे इसके, और आरबीएल बैंक का यहां पर क्रेडिट कार्ड है और इसमें बैंक बाजार का भी आपको लोगो लगा दिख जाएगा। तो बैंक बाजार और आरबीएल बैंक दोनों का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया और आप बोल रहे हैं कि ये फर्जी क्रेडिट कार्ड है। देखिए फर्जी क्रेडिट कार्ड का मतलब मेरा कहने का ये है कि जो बैंक बाजार वालों ने मुझे बोला है ऐसा क्रेडिट कार्ड के लाइफ टाइम फ्री आएगा, बट ये नहीं निकला। ये है आरबीएल बैंक, अपनों का बैंक, लेकिन ये धोखा कर रहा है, दूसरों का बैंक बन रहा है भाई। ये आरबीएल बैंक का सेव मैक्स प्रो क्रेडिट कार्ड है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का मेरे पास ना किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन हुआ, ना कोई इनकम प्रूफ मांगा और किसी प्रकार का मेरे से ज्यादा कुछ यहां पर हुआ ही नहीं। बस एक मिनट का मेरा प्रोसेस रहा, उसी में मुझे क्रेडिट कार्ड यहां पर दे दिया। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को देने के लिए बैंक बाजार वालों की तरफ से मेरे पास एक कॉल आया एक दिन, तो वहां पर एक मैडम ने बोला कि आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करिए, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है आपको आरबीएल बैंक का। जब मैंने बोला ठीक है भाई, आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, लाइफ टाइम फ्री है, तो आप दे दीजिए। जैसे उन्होंने अप्लाई कराया और सारी डिटेल पहले से मैंने यहां पर इसको चेक करने के लिए डाल रखी थी, इसलिए मेरे से मांगी नहीं गई और मेरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मेरे पास एक एसएमएस आता है कि आरबीएल बैंक का सेव मैक्स प्रो क्रेडिट कार्ड आपका सक्सेसफुली अप्रूवल हो गया है और उसका 1499 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल फीस आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने इस कार्ड के बारे में जानकारी ली, सच में इसका एनुअल फीस 1400 रुपए था और जीएसटी थी, तो एवरेज हम मान सकते हैं कि 1700-1800 रुपए के आसपास आपको इसका एनुअल फीस देना पड़ेगा। अब इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस में क्यों दूं भाई, मुझे इसमें कुछ भी बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें आपको कोई 1% का कैशबैक तक नहीं मिलता है कहीं पर, यहाँ पर आपको कोई कैशबैक मिलता नहीं है, किसी प्रकार का आपको यहाँ पर कोई प्रॉफिट ज्यादा है नहीं। इससे अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बहुत सारी बैंक एक नॉमिनल फीस में दे देती है या फिर लाइफ टाइम फ्री दे देती है। जैसे कि आपने देखा होगा आईसीआईसी बैंक का अमेजन पे क्रेडिट कार्ड, जहां पर अच्छा खासा कैशबैक मिलता है, इतना इसका एनुअल फीस है। इसके हिसाब से मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट इसमें मुझे नहीं दिखा। इसके अलावा एयरटेल का क्रेडिट कार्ड, इसका एनुअल फीस 499 रुपए है। इसके अलावा हमारा एक्सिस बैंक का ACC क्रेडिट कार्ड है, जिसका एनुअल फीस 499 रुपए, लेकिन वहां पर 2% कैशबैक मिलता है ऑल अदर स्पेंड पर। इसकी अगर लिमिट की बात करता हूं तो केवल और केवल 25,000 रुपए की लिमिट दी है। अब 25,000 रुपए की लिमिट दी है, कोई आपको कहीं पर कैशबैक मिल नहीं रहा, कोई बेनिफिट आपको है नहीं, एनुअल फीस इतना हाईएस्ट है। दूसरी बात के इन्होंने सबसे पहली बात मेरे साथ धोखा किया था कि आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलेगा, इसलिए ये क्रेडिट कार्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और फाइनल मैं तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने वाला हूं नहीं, रिसीव किया है ओनली। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आपने रिसीव कर लिया तो क्या इसका एनुअल फीस आपको पे करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि आपको कार्ड मिल जाता है और आप उसे एक्टिव नहीं कर लेती हो, तब तक आपको किसी प्रकार का एनुअल फीस, किसी प्रकार का जॉइनिंग फीस नहीं लगता है। क्रेडिट कार्ड आपको डिलीवर हुआ, आपने रिसीव कर लिया, इसके बाद अगर आपने उसको खोल लिया कुछ नहीं होगा। आपने जब तक इसका पिन जनरेट नहीं किया, इसको एक्टिव नहीं किया, एकाध आपने ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं किया, तब तक आपका क्रेडिट कार्ड पर किसी प्रकार का कोई जॉइनिंग फीस, किसी प्रकार कोई एनुअल फीस नहीं लगता है। कई सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड आ जाता है, हाईएस्ट ज्यादा जॉइनिंग फीस एनुअल फीस होने के बाद उनका माइंड चेंज हो जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, इस पर कोई ट्रांजेक्शन मत करिएगा। किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो वहां पर आपको कोई भी यहाँ पर जॉइनिंग फीस एनुअल फीस उसका पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होकर आता है। जब आप एक्टिव करते हो तब अनब्लॉक होता है, तो ब्लॉक क्रेडिट कार्ड पर आपको किसी प्रकार का जॉइनिंग फीस चार्ज नहीं देना होता है। अब रही बात इस क्रेडिट कार्ड को बंद कराने की,
तो अगला वीडियो आपको मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड को बंद कराने का कि किस प्रकार से इसे बंद कराते हैं, क्योंकि एनुअल फीस ज्वाइनिंग फीस वाले ना लगे लेकिन फिर भी इस क्रेडिट कार्ड को बंद कराना जरूरी है, क्योंकि हमारे क्रेडिट स्कोर में एक अपनी जगह ले लेगा, इसलिए हमें वहां से इसे हटवाना भी है। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप आरबीएल बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड बंद करोगे, इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड को बंद कराऊंगा तो उसी में ये प्रोसेस भी कंप्लीट आपको बता दूंगा। मैं मिलता हूं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।